ये क्या जगह है? ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, किसी को नहीं पता। ये हरियाणा है और वो जो सामने नेक्स्ट सेकंड पहाड़ी दिख रही है, हाँ जी, वो हिमाचल है। तो जो कैदी कूदी पकड़ के लाते थे या कोई बड़ा जानवर पकड़ के लाते थे, वो उनको यहाँ पे बंद कर देते थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इनकम टैक्स दफ्तर सहारनपुर। बड़े लोग हैं हम, टैक्स देते। भाई साहब 5 बजे उठे हम, 5 पौने 5 उठे भाई साहब, 5:45। हद हो गई, बताओ, मेरे साथ तो हद ही हो गई। इस टाइम में सोता हूँ, इस टाइम में उठ चुका हूँ। बच्चा देखो, इनकी उम्मीद नहीं थी हमें, और ये सबसे पहले रेडी खड़ा था। हमारे वो कैलाश वाले अंकल भी तैयार हो गए, सारे तैयार हो गए हैं। भाई की पैक हो रही है, बहुत बेहतरीन। जय वंदे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या ही बात है यार, ये तो फ्रेम अच्छा है। हम भी आएंगे फोटो में। भारत माता की जय। अब ये चेक होती है। आइए हम आपको इनकम टैक्स दफ्तर अंदर से भी थोड़ा सा दिखाएं, गेस्ट हाउस कैसा दिखता है। यहाँ पे कल रात को आपने देखा ही है, क्रिकेट खेली गई है। तो ये जो कॉमन एरिया है, यहाँ पे पार्टी होती है, बड़े बड़े कमिश्नर आते हैं, यहाँ पे बैठ के वो दारू पीते हैं, यहाँ पे फिर वो डिनर करते हैं। एंड देखो जी, इनकम टैक्स दफ्तर में कितनी प्यारी बात लिखी है, ईमानदार होने का अर्थ है 1000 मनकों में से अलग चमकने वाला हीरा, डायमंड, शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड। ये जी वॉशरूम है, ये हमारा कमरा था, इसमें हम ठहरे थे। यहीं पे हमने अभी पिछला व्लॉग एंड करा है, तो इसलिए अब वापस हम वहीं पे आ गए हैं। ये जनाब उधर सोए थे, मैं इधर सोया था। क्या हम दूसरे रूम में सोएंगे? चलो जी, अब थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद फिर निकलते हैं। आज की राइड बहुत ही ज्यादा गजब की होने वाली है। चल भाई, देखिए हम बाइकर्स कहाँ चढ़ गए हैं। राइड तो हमारी स्टार्ट हो नहीं रही, सुबह के 7-10 बज रहे हैं। गॉग्स के बांदर, गॉग्स के बांदर। 3, 2 चलिए गाइस, अब हम कोशिश करते हैं कहीं चढ़ने की। इसके ऊपर हमें जाना चाहिए, कहीं जा तो सकते हैं। भाई कहाँ जा रहा है? अरे भैया, कभी डाल डाल, कभी बात बात। ये देख रहे कितना खूब लग रहा है, ऐसे ऊपर लगता जो आप भी आ रहे हो। ये हमारे दुष्यंत सर हैं, शकल तो दिखाओ सर। शकल तो यहाँ से भी नहीं। सर इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर और इन्होंने हमारा यहाँ इतना प्यारा स्टे करवाया, तो सर थैंक यू सो मच। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बाइक रैली निकाल रहे हैं और हम एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए कटाता जा रहे हैं। क्या ही बात है। देखिए जी, पहली बार हम चलाने वाले हैं आज GS BMW की बाइक। काफ़ी ही ऊँची बाइक है, बट बुलेट से काफ़ी हल्की लग रही है। क्या हमें ले लेनी चाहिए, आप बताइए? अगर आप कहेंगे तो हम पक्का ले लेंगे। हाँ जी, राइड अपनी स्टार्ट हो चुकी है, लीड कर रहे हैं दुष्यंत जी। एंड ये सहारनपुर से निकल के हम जा रहे हैं चक्राता, जिसका रास्ता 3.5 घंटे का ही है, बट हम इसको कवर करेंगे 5.5 घंटे में, क्योंकि रास्ते में हमें एक जगह ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए हमारे सतपाल दद्दू को झंडा फहराते पूरे जज्बाती होके खड़े होके बाइक चला रहे हैं। इनको लोग पलट पलट के देख रहे हैं सहारनपुर में। ये पेड़ों के बीच में राइड करने का इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतनी प्यारी हवा, सूदिंग, और ये साथ में नहर बह रही है और मौसम भी अच्छा है। थोड़ा पहाड़ों की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपको पता ही अच्छा हो ही जाता है। ओह माय गॉड, नज़ारा देखो यार, नज़ारा देखो। पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं और ये नदी देखो साथ में, और वो जंगल पूरा आपको खड़े होकर दिखाते हैं हम। देखिए, ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये लाइन हर जगह भूलता हूँ मैं जैसे पहाड़ों में आता हूँ। ओहो हो, जन्नत है जी, जन्नत। देखिए जी, देखिए नज़ारा, देखिए, बहुत ही सुंदर। ओ दोस्त, फोटो काटना है क्या? हाँ हाँ, लो लो। ये कौन सा डैम है सर? हथनीकुंड बैराज। ये सामने हरियाणा है और वो जो सामने नेक्स्ट सेकंड पहाड़ी दिख रही है हाँ जी वो हिमाचल है, उसके सामने वाली उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, ये पहाड़ी यूपी की है, हम यूपी में खड़े हैं अभी। यूपी में यहाँ पे चार बॉर्डर है। चलो जी ऑफ रोडिंग हो गई स्टार्ट। चैंप बैठ गया मेरे पीछे। आपकी बम में दर्द हो जाएगा, इसकी सीट ऐसी है। मेरा बम बहुत नदियों पार सजनदा ठाणा। ये क्या जगह है? ये तो कोई पुराने टाइप का फोर्ट लग रहा है। वीडियो बनाने तो यार हमें यार आओ शिकार करके आए, आओ शिकार करें। अब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे शाहजहां शिकार करके अपना मुर्गा पकाता था। इधर नहीं, मुर्गे का शिकार थोड़ी ना करता था, यहाँ पे करता था वो शेर का, हाथी का। ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, किसी को नहीं पता। ये गॉक्स ग्रुप ने ढूंढी है और द अल्फा सिंह ने ढूंढी है। अंदर कोई जानवर वगैरह ना मिल जाए, हमें ये डर लग रहा है। ये सच बात है कि ये शाहजहां का लाउंज था बेसिकली। जब वो शिकार कर लेता था उसके बाद सारा शिकार लेके आते थे, यहाँ आराम करते थे, पकाते थे और खाते थे। वो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से देखिए सर ड्रोन उड़ा रहे हैं। यहाँ रानी साहिब आती थी और यहाँ से मुर्गा खाते हुए, हिरण खाते थे। सामने नदी, अच्छा है पूरी नदी बहती थी ना यहाँ से, बह रही है ना, यमुना है। हाँ यमुना है भी यहाँ से दिखने रही, बड़े पूरी पीछे नदी होती थी। तो जैसा कि सर ने बताया आपने सुन ही लिया। और ये पीछे कौन सा नेशनल पार्क है सर? ये कलसिया नेशनल पार्क। कलसिया नेशनल पार्क, इसमें सफारी भी होती है। अच्छा जी आओ हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि शाहजहां क्या करता होगा। तो मुझे लगता है जो वो वाले जंगल है ना जो पीछे नेशनल पार्क है वो वहाँ पे शिकार करता होगा, फिर नदी में अपनी बोट में बैठ के, कश्ती में बैठ के वो यहाँ आता होगा, मछली पकड़ता होगा। जिस दिन वो शेर का शिकार या डेर का शिकार नहीं कर पाता होगा वो मछली पकड़ता था नाव में, फिर यहाँ पे आता था रानी साहिबा को लेके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जूते उतारता था, ठीक है, ये उसी की पॉटी है। उसके बाद वो यहाँ पे जाके पहले नहाता होता था इस जगह पे, और रानी साहिबा पहले ही उधर जाके एक दो कुक्स को लेके ना मच्छी पकाना शुरू कर देती थी। और रानी साहिबा पकाएंगी डॉक्टर होते थे। अरे रानी साहिबा, अरे नहीं, कभी कोई डेट पे भी तो आते थे वो। कभी जब डेट पे आते थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, नौकर तो आते थे वो सारे यहाँ बीच में रहते थे। फिर तो बर्तन शाहजहां ही धोता। अरे तो जो बाकी सिपाही थे उनकी एंट्री यहीं तक थी ना, ये उनका कक्ष था, ठीक है। और बाकी शाहजहां के जो बच्चे बच्चे थे वो उधर खेलते थे जाके। ये सच बात बता रहा हूँ मैं, आप कहीं झूठ समझ रहे हो, है ना। और बाकी सिपाहियों को हम ऊपर खड़ा कर देते थे, हम नहीं मतलब शाहजहां जी ऊपर खड़ा कर देते थे। यहाँ पे गेट होता था, देखो ये देखो यहाँ पे लोहा भी लगा है। तो जो कैदी कूदी पकड़ के लाते थे या कोई बड़ा जानवर पकड़ के लाते थे वो उनको यहाँ पे बंद कर देते थे। पर बंद करने के बावजूद एक दिन कुछ नौटी कैदी इस तरीके से भाग निकले। कैसा लगा मेरा मजाक? मजा आया। पीछे है हमारे अमरूद के बाग, वहाँ से हम ताजे ताजे अमरूद खा रहे हैं अब शाहजहां के शिकार लाउंज पे। बहुत ही बेहतरीन। देखिए एक अच्छा अमरूद, मैं सीधा यमुना नदी में फेंकने वाला हूँ। इधर देखो, ये देखो, ये अरे वीली मारो, वीली वीली मारो। चलिए जब तक सारे अमरूद का सेवन कर रहे हैं तो मैंने सोचा एक और दूर हो गया, तब तक हम एक सुसु ब्रेक ले ले। शाहजहाँ जी के शिकार महल में। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस, यहाँ पर कोई देख भी नहीं पाएगा। चलो जी, हेडिंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally.